सीहोर जिला चिकित्सालय में 5 घंटे तड़पती रही गर्भवती महिला, नहीं किया भर्ती। सीहोर जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी सिर्फ मोटी तनख्वाह देने के लिए सरकार ने बिठाए हैं, या फिर गरीब को इलाज मिल सके इसके लिए अस्पताल बनाया गया है। मामला जिला सीहोर की चिकित्सा अवस्था का है, जो दम तोड़ती नजर आ रही है। सीहोर जिले के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही कहें या फिर मनमानी, एक गर्भवती महिला लगभग 5 घंटे तक अस्पताल के बाहर तड़पती रही, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने द्वारा गर्भवती महिला को इलाज के लिए भर्ती नहीं किया, जिसके चलते जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा बन गया। परिजन का कहना है, डिलीवरी के लिए शाम 6 बजे जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन रात के 11 बजे तक महिला को भर्ती तक नहीं किया गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विष्णु शर्मा। भाई साहब, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? डिलीवरी के लिए लाए थे जी, 6 बजे के आए हुए यहाँ जी। पहले श्यामपुर आए, श्यामपुर से रेफर कर दिया सीहोर। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि ये सीरियस केस है, आप भोपाल ले जाओ। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने क्या बोला यहाँ पर, क्या क्या सुविधा नहीं है? डॉक्टर पुष्पा है, बोल रही ब्लड की कमी है, ब्लड हमारे पास है नहीं उपलब्ध, और यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप भोपाल ले जाओ। सुल्तान भोपाल ले जाने का बोला जी, अभी ज्यादा सीरियस है जी। कितने घंटे हो गए आपका आए हुए? 3-4 घंटे हो गए, 4 घंटे से ज्यादा हो गया जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नारायण गुजर है सर। आप कहाँ से आए? बाजार बरखेड़ा से। बरखेड़ा से आए जी। जी, क्या समस्या आई हुई थी आपके साथ? मैं यहाँ 4-6 घंटा से परेशान हूँ कम से कम जी। मैडम ने बोला कि ब्लेड चाहिए जी, हमने किया हम ब्लेड ला के दें जी, ब्लेड के हमने नंबर मांगे जी, फिर उन्होंने हमसे मना कर दिया कि हम तुम्हें भर्ती नहीं करे, और कम से कम नहीं 500 आदमियों को झुचकार के निकाल दिया, हमारे सामने की बात है। अच्छा, फिर मैं सन्नी भैया के मंगाया, वो कहीं बाहर थे, उनने उनके लड़के को पहुंचाया, बिक्की भाई साहब को। हाँ, उन्होंने भी किया, इसके बावजूद भी इन्होंने भर्ती नहीं किया, हम प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा है। कुल मिला के आप मजबूर हैं प्राइवेट अस्पताल? बहुत परेशानी है यहाँ, सुविधा भी नहीं दी, कोई सुविधा नहीं थी, मरीज बाहर पड़ा पड़ा चले गया। सुनने में आया कि डिलीवरी बाहर ही हुई है? बाहर हुई है डिलीवरी, और पुष्पा मैम ने बिल्कुल नहीं सुनी हमारी। अच्छा, अभी जच्चा बच्चा कैसे हैं? अभी अब प्राइवेट जा रहा है। गंभीर अवस्था में? जी, गंभीर अवस्था में। बोलो, उसका जिम्मेदार सरकारी हॉस्पिटल में पुष्पा मैम है।